सोनाक्षी सिन्हा पर कमेंट कर बुरे फंसे मुकेश खन्ना। सफाई देते हुए कहा, मैंने उनका नाम केवल उदाहरण के लिए। एंटरटेनमेंट जगत के भीष्म पितामह उर्फ मुकेश खन्ना अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं। जब भी एंटरटेनमेंट जगत का कोई निर्माता महाभारत का निर्माण करता है या फिर उस पर बात करता है तो मुकेश खन्ना खबरों में आ जाते हैं। बंद के दौरान जब भारतीय सरकार ने ऐलान किया कि बीआर चोपड़ा की महाभारत दोबारा प्रसारित की जाएगी तो मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा पर निशाना साधते हुए कहा, महाभारत और रामायण के दोबारा प्रसारण से उन लोगों की मदद हो जाएगी जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है। मुकेश खन्ना का यह बयान आग की तरह फैला और लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। यहां तक कि सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी मुकेश खन्ना पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें भारतीय संस्कृति का संरक्षक किसने बनाया। विवादों को इतना बढ़ता देख मुकेश खन्ना ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात की और कहा कि उन्हें सोनाक्षी सिन्हा का नाम केवल उदाहरण के तौर पर लिया था, उनका वो मतलब नहीं था जो लोग निकाल रहे हैं। मुकेश खन्ना ने कहा कि लोगों ने मेरे बयान को शत्रु जी के सामने गलत तरीके से पेश किया, मैं उन्हें इतने लंबे समय से जानता हूँ और उनकी बहुत ही इज्जत करता हूँ, मैंने सोनाक्षी का नाम केवल उदाहरण के तौर पर लिया था, मैं उसकी बेइज्जती या नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं उन्हें निशाना नहीं बना रहा था, मैं इस बात से हैरान हूँ कि इस जनरेशन को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता। मुकेश खन्ना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वो हिंदू धर्म के संरक्षक के तौर पर अपने आप को पेश नहीं करना चाहते, हालांकि भारतीय नागरिक होने के नाते ये उनकी ड्यूटी है कि वो नई जनरेशन को महाभारत और रामायण के बारे में बताए। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।